हमेशा हेलमेट पहन के चलिए और अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके चलिए साथ में, और स्पीड अपनी हल्की रखें। बाइक खड़ी करके स्टैंड हो गाइस, चेक दिस आउट। हमारा सो हे व्हाट्स अप गाइस, अगेन वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस कैसे हैं आप लोग, आई होप आप सही बढ़िया होंगे। तो गाइस आज हम दोबारा जा रहे हैं अपनी बाइक की मॉडिफिकेशन कराने, क्योंकि भाई आज का व्लॉग होने वाला है पूरा बाइक के ऊपर। तो गाइस आपको मैं ये बताऊंगा कि आज की वीडियो में कि बाइक में कैसे कैसे मिनी मॉडिफिकेशन आपको करानी चाहिए, और ऐसी क्या चीज़ें हैं जो मतलब आपको बाइक लाते ही करा लेनी चाहिए, जो मैं अभी लेट करा रहा हूँ, बहुत लेट हो गया। कुछ कुछ चीज़ें मैंने पहले करा ली है। सो गाइस आज का पूरा व्लॉग हमारा रहने वाला है बाइक की मॉडिफिकेशन के ऊपर। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं AK ऑटो, जो कि है सिंहद्वार पे, जहाँ से हमने PPF भी कराई थी और थोड़े एक्सीडेंट जो क्रैश हुआ था उसमें टेपिंग भी कराई थी। तो गाइस वो काम बहुत अच्छा करते हैं, तो बाकी उनके पास चलते हैं, थोड़ी बहुत जो मॉडिफिकेशन होगी जिससे बाइक थोड़ी अट्रैक्टिव लगे ऐसा कुछ करेंगे। तो गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको अपनी जो बाइक है ना, जैसे मेरे पास N160 है, जितनी BS6 बाइक है उनमें जो है चैन की प्रॉब्लम है, वो सॉल्व करने के लिए एक चीज़ आती है चैन लूप, वो लेना पड़ेगा, आज ही लेंगे हम, क्योंकि हमारी चैन भी बहुत आवाज़ कर रही है गाइस, क्योंकि उससे चैन की जो लाइफ है वो बहुत सही रहती है और वो बहुत मतलब ज़रूरी है मतलब बाइकर्स के लिए। बाकी हम आज लगाने वाले हैं सीट कवर और हैंडल गार्ड्स जो होते हैं, जिससे बाइक और भी अच्छी लगने वाली है हमारी। तो गाइस आज पूरा बने रहिए इस वीडियो में, ताकि आपको भी दिखे कि मॉडिफिकेशन कैसी होती है इसकी छोटी मोटी। और गाइस अभी फिलहाल कुछ प्लान ऐसा है कि अभी हम जा रहे हैं AK ऑटो, जो कि सिंहद्वार पे है, यहाँ से है 15 किलोमीटर दूर। तो भाई पहले हम बाइक से जाएंगे और फिर मॉडिफिकेशन कराएंगे। तो बाकी गाइस चलते हैं, और सामने खड़ी है अपनी N160, जो कि अभी बहुत बढ़िया लग रही है, इसकी धुलाई वगैरह कराई थी 3-4 दिन पहले, दोबारा आई है। तो गाइस अभी कुछ लुक ऐसा लग रहा है हमारे हेलमेट में, कैसा लग रहा है आप कमेंट सेक्शन में बताना बहुत। गाइस चल चलते हैं। सो गाइस व्हाट्स अप, अपन भी आ चुके हैं इस ब्लॉग में फाइनली इतने दिनों के बाद। तो आज हम जा रहे हैं बाइक की मॉडिफिकेशन के लिए, जैसा कि आपको संजय ने बताया। तो बाकी चलो जाके आपको बताते हैं सारी चीज़ें टोटल। तो गाइस पहुंच चुके हैं हम अपनी जगह पे, जहाँ पे हमारी बाइक मॉडिफाई होने वाली है AK ऑटो सर्विस में। तो ये है वो दुकान भैया की, यहीं पे मतलब हमारी बाइक हमेशा मॉडिफाई करा जाती है। तो गाइस पहुंच चुके हैं भैया की दुकान पे। तो गाइस ये हमारी बाइक के हैंड गार्ड्स, मतलब साइड में हैंडल के जगह पे प्रोटेक्ट करता ना बाइक को, वो है इससे मतलब एग्रेसिव लुक भी आता बाइक का और सेफ्टी भी ऐसे पहले। गाइस अभी कर रहे हैं टेस्ट, इनको कैसे लगे मेरी बाइक। कितना नाम पड़ता है ये वाले, कितना नाम पड़ता है ये सही लगे यार। हमने फाइनल कर दिए ये वाले हैंड गार्ड, एक बार देख सकते हो आप, देखते हैं बाइक में कैसे लगते हैं बाकी। और उसके बाद हम थोड़ा बहुत और काम कराने वाले हैं, और उसके बाद बताऊंगा कि आपने क्या क्या कराना चाहिए बाइक में और क्या नहीं कराना चाहिए। और मतलब हमने भैया से पहले वो भी कराए थे, हैजार्ड लगवाए थे चारों ब्लिंकर, और उसका भी आपको पूरा सेटअप दिखाऊँगा अभी मैं। बाकी कुछ लुक ऐसा आ रहा है अपनी बाइक का। तो गाइस अब लगवा रहे हैं हम इसमें मीटर में लैमिनेशन, तो प्रोटेक्ट करते हैं स्केचेस वगैरह पे। तो गाइस एक बार सब कमेंट बताना कि ये जिसके हैंडल गार्ड्स लगवाए हमने कैसे लग रहे हैं। मेरे तो काफ़ी सही लग रहा है अपने हिसाब से, क्योंकि इसमें मतलब एग्रेसिव लुक भी आ रहा है बाइक का, कहते हैं मतलब किसी लग रही है बाइक भी ना। तो गाइस अभी हमने कराया स्क्रीन गार्ड लगवाया, बाकी हैंडल गार्ड्स लगाए हैं अपने, और उसके बाद हम करवाने जा रहे हैं अपने जो मतलब यूट्यूब के स्टिकर्स है ना, मैं सोच रहा हूँ उसके नाम यहाँ पे छपवा दूँ बाइक में। थोड़े दिनों बाद मैं मोटर ब्लॉग्स चालू करने वाला हूँ गाइस, क्योंकि मेरा जो रिस्पॉन्स मिल रहा है वो मिल रहा है सीधा बाइक वाली वीडियो की। तो गाइस अभी तो इतना खास कुछ कराया नहीं है, बाकी एक स्क्रीन गार्ड लगवाया है, बाकी हैंडल गार्ड्स और बाकी सीट कवर हम बाद में लगाएंगे। भाई अब बनाना चाहेंगे स्टिकर, और भैया साइज देख लो एक बार क्या वहाँ पे आएगा, कितना कितना बड़ा ज़्यादा बड़ा है, ठीक है 8 रख लो, 8 नॉर्मल है, दोनों तरफा एक तरफा एक तरफा एक तरफा। तो गाइस कुछ इस टाइप का हमारा लोगो जो हम बाइक में लगाने वाले हैं, द वायरल लोगो करके।
इधर चले जाओ, यहाँ से लू चले जाओ। तो गाइस चेक दिस आउट, हमारा लेने यहाँ पे वीडियो का चप चुका है भाई, वायरल ब्लॉगर। तो भाई कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना भाई, अब लग रही है हमारी यूट्यूबर की बाइक। तो गाइस फाइनली हो चुकी है छोटी मोटी मॉडिफिकेशन कंप्लीट। हमने इसमें साइड के हैंड गार्ड्स लगवाए और एक मीटर पे जो होती है प्रोटेक्शन के लिए लैमिनेशन वो करवाई है, एंड एक चैनल का लोगों का नाम भी लिखवाया है वायरल ब्लॉगर करके। बाकी भाई सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमने यहाँ से लिया चेन लूप, और हमने पूरा काम करा लिया है, मतलब स्टिकर वगैरह हैंडल गार्ड्स वगैरह। और आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें अभी मैं बताऊंगा वीडियो के बाद, पहले यहाँ से चले जाते हैं दुकान से, उसके बाद कहीं शांत जगह में बताएंगे आपको पूरी चीज़ें। बाकी भाई काम बहुत अच्छा लगा भैया का, एक ही ऑटो पीछे आप सब देख सकते हैं जो कि सिंह द्वार पर है भाई, बहुत अच्छा काम करते हैं, मैं हमेशा इनसे कराता हूँ। तो भाई चलो फाइनल चलते हैं अपने, और काफ़ी टाइम भी अच्छा 3 बजने वाला ही नहीं, चलो चलते हैं। A few moments later. अरे भैया हैं। आज इस व्लॉग में आपको भैया से मिलाते हैं। बाकी भैया आप इंस्ट्रक्शन देंगे कि आपको क्या क्या करना चाहिए, मतलब रोड्स में। रोड में कभी भी ट्रिपलिंग नहीं कीजिए, हमेशा हेलमेट पहन के चलिए, और अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके चलिए साथ। ओरिजिनल ना हो तो डिजी लॉकर में रख सकते हैं। डिजी लॉकर में भी गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है कि डिजी लॉकर में मान्य है आपके साथ। और बाकी सेफ चलो, और स्पीड अपनी हल्की रखो। ओके भैया थैंक यू, ठीक है चल मिलते हैं। ओके भैया कर देते ना, थैंक यू। गाइस बाकी अभी अपने खत्री भैया मिले थे जो कि हैं सीपीयू में भाई, बहुत अच्छे हैं, मतलब बहुत अच्छे से अपनी ड्यूटी निभाते हैं, बहुत मतलब हेल्प भी करी है बहुत कोरोना के टाइम में लोगों की, मतलब जो रोड में एक्सीडेंट हुआते हैं भैया उनके भी हेल्प करते रहते हैं, मैंने डेली न्यूज़ में देखता रहता हूँ प्रधान टाइम्स में। बाकी भाई भैया ने जो बताया था ना कि रोड में कैसे चलना चाहिए हेलमेट पहन के, बाकी अपने सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए, ट्रिपलिंग नहीं होनी चाहिए भाई, इन सब का विशेष ध्यान रखे तुम, और हेलमेट हमेशा होना चाहिए तुम्हारे पास क्योंकि तुम्हारी सेफ्टी के लिए ही है भाई, जितने भी मतलब सीपीयू वाले और ट्रैफिक पुलिस वाले बाकी सारे बढ़िया रहते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। A few moments later. वीडियो बनाना है भाई, खड़ी कर स्टैंड भैया, स्टैंड लगा दो स्टैंड लगा दो स्टैंड लगा दो भाई, भाई क्या चल रहा है इधर नहीं मारना है तो कैमरा तो गाइस देखो कई मस्त को बहका बिगा दिया यहाँ आते साथ ही। अरे मैं घर से बैठूंगा बाकी भाई, अब तुम्हें बैठना पड़ेगा पीछे भाई, से पहले कोई और पकड़े फटाफट निकल ले भाई। कोई नहीं है, सारे भाई लोग थे पता है, ये सारे भाई लोग थे, मिल गए, मैं गलती से मिल गया इनको, मेरे को आना नहीं चाहिए था अभी खड़खड़ी के अंदर से, क्योंकि यहाँ सारे अपने भाई लोग रहते हैं है ना। तो भाई देख लिया आपने इन्होंने क्या करा मेरे साथ अभी बाकी हमने अभी अपनी वीडियो पूरी कर रही है, वो भी गिल्ले गिल्ले में करेंगे बाकी इन्होंने गिल्ला कर ही दिया तो भाई वीडियो भी ख़त्म करनी है, और आज शाम को करना है दूसरा ब्लॉग क्योंकि आज छोटी दिवाली है। क्या बोला तूने? छोटी दिवाली है, दिवाली सॉरी छोटी होली है। चेक करिए मैं पूरा भीग चुका हूँ अभी तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, बट वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एंड शेयर कर दो पूरी वीडियो जो बाइकर्स हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो मिलते जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय टाटा सी यू।